तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञान गंज, लेखक श्रीमद् शंकर स्वामी, भाग 7। इस पुस्तक के प्रारंभ से लेकर के 6 भाग देखने तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी, स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा अध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। स्वागत है आपका भाग 7 में। ज्ञानपीठ ज्ञानगंज आविर्भाव। इस मंडल में प्रवेश करके मैं हतप्रभ। मानव जाति के लिए ये एक अगम्य प्रदेश है जिसकी कल्पना कोई स्वप्न में भी नहीं कर पाएगा। गूंगा जिस तरह स्वाद का वर्णन करने में अक्षम होता है, ठीक उसी प्रकार मेरी अवस्था है, असहाय सी। अविश्वसनीय है ये लोग, कौन मानेगा मेरी बात। एकमात्र साक्षी मेरी अंतरात्मा। वितर्क पर मैं नहीं जाऊंगा, विश्वास हो तो अच्छा, अविश्वास हो तो कल्पित कहानी मान लेना। कारण कि यदि मैं स्वयं इस दिव्य मंडल में नहीं जाता तो मुझे भी शंका होती, कल्पित मनगढ़ंत कहानी ही मानता। मैं ये भी जानता हूं कि इसके वर्णन को लिपिबद्ध करना मेरे लिए असाध्य है, फिर भी सचेतन मन से स्वज्ञान की भाषा में वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आज की अंतिम यात्रा दिव्य लोक ज्ञानगंज मठ। हिमाच्छादित 2 शैल शिखरों का अतिक्रम कर एक अति दुर्गम लेकिन सुरम्य प्रदेश में आए। इस अंचल में पूरे वर्ष कोहरा छाया रहता है। बादलों से ढकी जलहीन घाटी, पेड़ पौधों का चिन्ह मात्र भी नहीं। चिर तुषारमय प्रदेश यानी कि कोहरे से ढका हुआ प्रदेश, कंपित ताप तरंग की तरह कुछ झिलमिल कर रहा है। लगा कि हम दोनों किसी मकड़ जाले में फंस रहे हैं। देख रहा हूँ स्तर स्तर पर विविध रंगों के प्रकाश तरंग, सभी में एक जाल भिदा हुआ। सामने और अधिक स्वच्छ रेशमी जाल आकाश से आबद्ध। विचित्र है जाल का स्तर, कोहरे की अद्भुत लीला, अति रहस्यमयी। जुगनुओं की तरह अनेक प्रकाश पुंज उड़ रहे हैं। मैं पागलों की तरह हाथ को चक्राकार घुमा घुमा कर उस जाल का स्पर्श अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। जाल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसका भौतिक अस्तित्व नहीं, जाल हमारी पकड़ से बाहर है। अति आश्चर्य मायावी है वह जगत। मेरी शैशव तुल्य लीला कौतुक को देखकर दिव्य कैवल्य हैरान रह गए। यानी कि स्वामी जी यहाँ पर बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बच्चे की भांति वो इस कोहरे से खेल रहे हैं। देखते ही देखते 21 किलोमीटर विस्तारित ज्ञानगंज की परिसीमा में आए। इस समय इसका विस्तार ऊपर नीचे आमने सामने दाएं बाएं 21 किलोमीटर, ये चलायमान प्रसारणशील और संक्षिप्त है। कहीं यह है गुब्बारे की तरह विस्तारित तो कभी सुकुड़कर 1 किलोमीटर से भी कम संक्षिप्त। सहसा 21 किलोमीटर विस्तृत बिरला प्लेनेटोरियम की तरह विशाल विस्तृत आयतन के एक गोलाकार हवेली में घुस गए। ऐसा लगा अंदर की दशों दिशाएं पूर्ण आयतन के प्रशस्त दर्पण से ढकी हुई हैं। विशाल विस्तारित ज्ञानगंज मठ का दृश्य एक स्थान पर बैठकर एक ही समय में आंखें घुमाकर 21 किलोमीटर तक ढके गोलाकार दर्पण के ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। इंद्रधनुष के रंगों से रंगा ज्ञानगंज, कुसुम सुबासित अपूर्व गोधूली की वैराग्य राग रंजित संध्या में कहीं योग का उच्चांग प्रशिक्षण चल रहा है तो कहीं प्रातःकालीन अस्फुट प्रकाश में ध्यान मुद्रा में साधक समाधिस्थ दिखाई पड़ रहे हैं। वेदी समूहों पर महात्माओं की मंडली, स्वच्छ निर्मल सरोवर में हंसों के जोड़े, उसी के तट पर भ्रमणमान ऋषिकुल के तरुण साधक वृंद,
चित्त लोक में संकल्प मात्र से नाना सिद्धाश्रमों को चित्र की तरह देख रहा हूँ। यहाँ सभी संयम के साथ अपनी निज साधना में रत हैं। इस अज्ञात प्रदेश में चंद्र सूर्य का प्रकाश नहीं है। दसों दिशाओं में एक दुग्ध धवल सा अति मायावी प्रकाश है, निरंतर एक ऊषाकालीन हल्का प्रकाश। ये चंद्र सूर्य का प्रकाश नहीं है, यहाँ तक कि प्रकाश के मूल स्रोत का भी पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ सभी आत्मलीन, वार्तालाप नहीं, केवल अंतरवार्ता और चक्षु भाषा। आंखों के छोटे से लेंस से जिस तरह रेटिना पर विशाल प्रकृति का प्रतिबिंब पड़ता है, मानो वैसे ही मैं भी एक शुद्ध लेंस के भीतर से अनंत ब्रह्मांड के दर्शन कर रहा हूँ। ये मठ भौतिक जगत के नियमों से बाहर है। यहाँ के योगी कभी दिखाई पड़ते हैं तो कभी नहीं दिखाई पड़ते। उनका भौतिक शरीर पूर्ण रूप से दिव्य देह प्राप्त है, कभी अदृश्य होकर सर्वत्र गमनागमन में समर्थ। एक अन्य बात, इस ज्ञानगंज दिव्यधाम में कोई भी मृत आत्मा नहीं है। ज्ञानगंज उनके लिए नहीं है। इस दिव्यधाम में उच्च कोटि के साधक सशरीर आते हैं। यहाँ आकर वे योग की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। योग का उच्चांग अनुशीलन करके एक ही जीवन में दिव्य देही बनते हैं। वो दृश्य अदृश्य होकर उसी तरह रूप रंग परिवर्तन करने में वे समर्थ हैं। ये मृत अथवा जीवित शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। मृत शरीर में प्रवेश करने पर कहा जाता है परकाया प्रवेश। अनेक समय में वे कृपण धनी व्यक्ति के जीवित शरीर में प्रवेश कर महत दान पुण्य कर्म या वांछित कर्म करा देते हैं। कोई दिव्य देह प्राप्त कर लोक लोकांतर में चले जाते हैं, या कोई उच्च संस्कार संपन्न उचित गर्भ मिलने पर पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं। अवश्य ही उनका तीव्र वासना या विधाता की प्रेरणा से पुनर्जन्म होता है। इस मंडल में मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ मैं अपना अस्तित्व गवा बैठा। दिव्य कैवल्य मेरे अस्थि पंजरों के स्वामी हैं। यंत्री जैसा चलाता है वैसा चल रहा हूँ। हत प्रभु सा मैं एक अज्ञात शक्ति के सम्मोहन में वशीभूत होकर 8 दिन तक क्या करता रहा और क्या देखा, इसके एक अंश की भी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। 8 दिनों तक भूख प्यास नहीं, होश बेहोशी का कोई बोध नहीं, श्वास चली या नहीं पता नहीं। सिर्फ आनंद में जीवन रस में डूबा चला जा रहा था। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसा एक अगम्य रहस्यमयी अंचल का अस्तित्व इस धरती पर आज भी कायम है। बड़ा ही विचित्र प्रसारणशील संचार में यह क्षेत्र उच्च हिमाद्री हिमालय की चलायमान मानव लाइब्रेरी, अपार्थिव वातावरण। दिव्य ज्ञान और दिव्य जीवन प्राप्त ज्ञानगंज निवासी सभी मानव हैं। कुछ स्थायी, कुछ अस्थायी, कुछ महामानव भावावेश में आकर जनमानस के बीच लौट गए, बहुत से दिव्य शरीर प्राप्त कर लोक लोकांतर में चले गए। इस मंडल में 1000-10000 वर्ष के सिद्ध साधक योगी आज भी विद्यमान हैं। ये कुछ सांसारिक साधक साधिकाओं के साथ मानसिक संपर्क बनाए रखते हैं। पार्थिव भौतिक शरीर में साकार होकर कभी किसी योग्य साधक को योग एवं तंत्र मार्ग में सहायता करते हैं। दिव्य कैवल्य की आकुल प्रार्थना से ज्ञानपीठ ज्ञानगंज मठ के संचालक हमारे समीप आविर्भूत हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे आविर्भूत हुए क्योंकि प्रकाश पुंज लेकर एक नीलाभ ज्योतिर्वलय चक्राकार में ऊर्ध्व लोक से उतरा। कुछ मुहूर्त में उस आलोक पुंज से दीप्त तेजोमय मानवाकार रूप लेकर महामुनि महातपा साकार हुए। लंबी जटाओं से युक्त स्वर्ण कांति देह, उन्नत ललाट, प्रायः 7 फुट ऊंचे, प्राचीन भारत के ऋषि महातपा ने दर्शन दिए। अद्भुत है उनकी मर्मभेदी दृष्टि।
मेरे अंतर मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उनकी उपस्थिति में सकल प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। शाब्दिक भाषा का प्रयोजन नहीं, अंतरवार्ता चल रही है। इससे पूर्व इसी तरह महावतार बाबा जी महाराज के अवतरण और उनके अभिषेक में उपस्थित हुआ था। ऋषि महातपा मेरे प्रातः स्मरणीय हैं। उनके आविर्भाव से मैं धन्य हुआ, रोम रोम रोमांचित है। इन महातपा ऋषि के उपाख्यान वराह पुराण के पंचदशा अध्याय में विस्तारित पाता हूँ। पंचदश अध्याय से धारावाहिक 33 अध्यायों में से लगभग 19 अध्यायों में महातपा जी का प्रसंग है। महातपा जी की तपस्थली मध्य हिमालय में वारणावर्त में है। इस स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड के 95 अध्याय में उत्तर काशी के तीर्थ महात्म्य के विषय में महातपा ऋषि की तपस्थली का वर्णन मिलता है। केदारखंड के 95 अध्याय और 66वें श्लोक से 70वें श्लोक के बीच कहा भी गया है कि कली के पापों से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र यही स्थान है। ऋषि के तप प्रभाव में यह स्थान दिव्य है। महातपा जी की तपस्थली में आकर आज भी मनुष्य भावाविष्ट होता है। मैं इस समय उन्हीं के साक्षात स्वरूप के समक्ष खड़ा हूँ, यकीन नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ कि ज्ञानगंज मठ में बंगाली साधक कोई और है क्या? अंतर मन में उत्तर आया कि जो थे वे सभी अब षष्ठ लोक तपो लोक में हैं। मन में आया कि राम ठाकुर का अवस्थान कहाँ पर है? उत्तर आया कि वे भी तपो लोक में हैं। एकमात्र वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने सिंधु प्रदेश में पुनर्जन्म लिया है, उनका आत्मशरीर यही श्री कृष्ण दयाल नाम से ज्ञानगंज मठ में शिक्षार्थी हैं। अब क्रमशः प्रश्न और उत्तरों का वर्णन। प्रश्न: इन सभी महामानवों की दिव्य आत्माएं इस धरती पर पुनः आएंगी क्या? उत्तर: श्री कृष्ण चैतन्य को इस धरा में जन्म ग्रहण करने का आदेश हुआ है, उचित गर्भ का संधान चल रहा है। प्रश्न: बंकिम बाबू के वर्तमान देह श्री कृष्ण दयाल से साक्षात होने पर बहुत खुशी होती? उत्तर: होगा, कुछ समय बाद प्रेरित होंगे। प्रश्न: ज्ञानगंज में अवस्था नरत साधक मंडली क्या अशरीरी आत्माएं हैं? उत्तर: नहीं, ये सभी मानव हैं, साधना से दिव्य देह प्राप्त। प्रश्न: मृत आत्माओं का अवस्थान कहाँ है? उत्तर: मृत अशरीरी आत्मा निम्न श्रेणी की होने पर पृथ्वी के मध्याकर्षण की सीमा से बाहर नहीं आ सकती, वे धरती के परिमंडल में ही हाहाकार करते हुए घूमती रहती हैं। उच्च श्रेणी के कर्म और संस्कारी आत्माएं सौर मंडल से बाहर नक्षत्र लोक में सुख से अवस्थान करती हैं। प्रश्न: सुनता आया हूँ कि ज्ञानगंज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उत्तर: विलुप्त घटित नहीं होगा। इस धरती की सीमा को छोड़कर सौर मंडल से बाहर नक्षत्र लोक में अवस्थान होगा। प्रश्न: श्रीमद शंकर स्वामी नाम से पुकारा जाने वाला मेरा परिचय क्या है? उत्तर: रसराज भैरवनाथ अवधूत अभिशप्त साधक, मानव वर्ष के 18,000 वर्ष बाद तपोलोक से भेजे गए। मन प्रसन्न, और कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। चरण वंदना कर रहा हूँ, मस्तक अवनत, दिव्य भाव से अप्लावित, अश्रु झर रहे हैं। अब आंखों को मलते हुए देखा अदृश्य हुए ऋषि महातपा। फिर श्री कृष्ण दयाल नाम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रकट हुए। अब दिव्य कैबल्य और श्री कृष्ण दयाल के साथ ज्ञानगंज की विविध प्रयोगशालाओं के दर्शन कर रहा हूँ। बंकिम बाबू को नजदीक पाकर उनके लिखे धर्म तत्वों के कुछ अमीमांसित प्रश्नों का उत्तर जान लिया। बंकिम बाबू को देखने से लगता है एक सज्जन पुरुष, लगता है मानो 30-32 वर्ष के युवक होंगे। अति कोमल नम्र व्यक्तित्व, चेहरा बहुत कुछ बंकिम के चित्र से मेल खाता, पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। दिव्य कैवल्य बोले,
ये सिंधु प्रांत के वैष्णव कुल तिलक श्री कृष्ण दयाल। मैंने श्रष्टाचार से उनके पैर छुए। पंकिम बाबू असहज होते हुए हट गए, फिर हाथ जोड़ते हुए मौखिक संभाषण से प्रीत हुए। मैंने कहा, बंकिम बाबू, योग अनुशीलन में निश्चय ही आपकी पूर्व स्मृति होगी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आगे कहिए। मैंने कहा, धर्मतत्व नाम से लिखी आपकी एक पुस्तक पढ़ी, उसके पांचवें अध्याय के आखिरी अंश में लिखा था कि आजकल योग धर्म में एक बेतुका हुचक उठ रहा है, उससे कुछ परेशानी महसूस होती है, जो इस हुचक को लादे घूम रहे हैं, उनके लिए यह धर्म अधर्म है। वर्तमान में आप स्वयं योग अनुशीलन रत हैं, लेखनी क्या उपयुक्त है? उत्तर, अवश्य ही नहीं, परिमार्जन वांछनीय है। फिर मैंने प्रश्न किया, इस स्तवक में और भी हैं, लंपट, अधार्मिक, योगी भी अधार्मिक, निकृष्ट उत्कृष्ट में भेद किए बिना लंपट या उदारांभरिक को नीच श्रेणी का अधार्मिक कहता हूँ एवं योगियों को उच्च श्रेणी का अधार्मिक कहता हूँ, लेकिन अधार्मिक दोनों ही हैं। लेखनी के इस वाक्य समूह के बारे में कुछ बतलाइए। उत्तर, धर्म तत्व का यह अंश अवश्य ही वर्जनीय है। वृत्ति के सामंजस्य पर कहूं तो भारत का आध्यात्मिक दर्शन का प्रमाण योग और योगियों की निंदा हुई, मैं अनुतप्त हूं। प्रश्न, आखिर में धर्म तत्व के सप्तम अध्याय में लिखा, सन्यास को मैं अंततः संपूर्ण धर्म नहीं कहता, सन्यास निवृत्ति मार्ग है, सन्यास असंपूर्ण धर्म है, वाक्य समूह क्या यथार्थ है? उत्तर, मत प्रतीत ये लेखनी स्थान स्थान पर रूढ़ हुई। आपके प्रश्नों के उत्तर पर मैं एक बार फिर अनुतप्त हूँ। मैंने पुनः पूछा, धर्म तत्व के अनुशीलन में कहा गया है कि चुंबक का धर्म लोहाकर्षण, अग्नि का धर्म दाहिका, जल का धर्म द्रावकता, वृक्ष का धर्म फल फूल सौरभ, मनुष्य का धर्म मानवता मनुष्यत्व। संपूर्ण धर्म तत्व के अनुशीलन में इतना समझना ही मेरी संतुष्टि है। मनुष्य का धर्म मनुष्यता, इस बात पर मैं आज भी एकमत हूँ। मनुष्य का धर्म मत मतांतर नहीं, पूर्ण मानवता है। बंकिम बाबू ने एक शब्द से दिया धर्म का सार, निर्यास। मैंने पूछा, आध्यात्मिकता क्या है? उत्तर, बुनियाद की भित्ति में प्रसाद, धर्म बुनियाद, उस पर बनी अट्टालिका है आध्यात्मिकता। आध्यात्म का विषय बहुत गहरा है। आध्यात्म विषयक विचार बोध उपलब्धि और उसका अनुशीलन है आध्यात्मिकता। धन्य वंकिम बाबू, मैं संतुष्ट, आपको मेरा शत शत नमन। दिव्य कैवल्य बोले, महाराज, आज मनुष्य के दिनमान के अनुसार 8 दिन व्यतीत हुए ज्ञानगंज के वातावरण में, अब होगी आपकी भारत यात्रा। मैंने कहा, ये क्या, आज ही तो आए? दिव्य कैवल्य बोले, यहाँ रात दिन नहीं होता, भोर का धवल प्रकाश यहाँ निरंतर विद्यमान रहता है और समय शून्य, इसलिए समझ नहीं पाए। सुख का दिन पल भर लगता है और दुख की रात नहीं बीतती। आश्चर्य, अति आश्चर्य, अचानक 21 किलोमीटर का यह बृहत विशाल मठ कैसे अदृश्य हो गया? इतनी विशाल विस्तारित ज्ञानगंज मठ की उपस्थिति जादू की तरह कहाँ विलुप्त हो गई? ये क्या कोई देवा स्वप्न है? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं, घड़ी में तारीख मिलाकर देखो, वाकई में 8 दिन बीत चुके हैं। सचेतन स्मृति का वास्तविक प्रत्यय यही है। चलते चलते दिव्य कैवल से कहा, आराम विश्राम शयन उपशयन आहार आदि तो कुछ भी नहीं हुआ वहां? इस पर दिव्य कैवल्य बोले, उस परिमंडल में क्षुधा तृष्णा श्रांति क्लांति वेदना बोध नहीं होता, केवल निर्मल आनंद, उत्सव के आनंद में विभोर। मैंने कहा, हाँ, आनंद उत्सव ही चल रहा था। पुनः मैंने कहा, मैं अपने जीवन में तिब्बत यात्रा का अनुभव लिखूंगा अवश्य। दिव्य कैवल्य ने कहा कि अवश्य लिखिएगा, परंतु
प्रयोगात्मक एवं गूढ़ तथ्य के विषय पर मत लिखिएगा। मैंने दिव्य कैवल्य से पूछा कि मानवीय 8 दिन ज्ञानगंज के वातावरण में था, फिर भी समय का अस्तित्व समझ में नहीं आया, इसका क्या रहस्य है? दिव्य कैवल्य ने कहा, तो सुनिए, श्रीमद् भागवत के उक्त द्वादश स्कंद की 9वें अध्याय की कहानी। मार्कंडे मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने मार्कंडे मुनि से कहा, हे ब्रह्मर्षि, एकाग्रचित होकर संयमित तपस्या और स्वाध्याय करने में तुम सिद्ध हो। तुम्हारी आजीवन ब्रह्मचर्य निष्ठा को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं वरदाता हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। मार्कंडे मुनि बोले, हे शरणागतों के अभयदाता, हे अच्युत, आपकी जय हो। आपने अपने मनोहारी स्वरूप का दर्शन कराया, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं आपकी उस माया को देखना चाहता हूँ जिस माया से मोहित होकर मानव मानवी एक अद्वितीय ब्रह्मा को भेद विभेद रूप से अनेक प्रकार से देखते हैं। श्री भगवान बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मार्कंडे मुनि अपने आश्रम में बैठकर ऐसा सोच रहे हैं कि श्री विष्णु की माया के दर्शन कब होंगे। मुनि चंद्र सूर्य जल स्थल अंतर अंतरिक्ष में केवल उन्हीं को ही देख रहे हैं। सर्वत्र चल रही है उनकी मानस पूजा, किसी दिशा का होश नहीं। उसी समय सहसा भयंकर आंधी तूफान और आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश शुरू। मुनि देख रहे हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से समुद्र की उठती लहरें बढ़ती चली आ रही हैं। महाविश्व डूब रहा है, विशाल जीव जंतु भी उछाल मार रहे हैं। बाहर भीतर चारों ओर जलमय स्थिति है। द्वीप वर्ष पर्वत स्वर्ग नरक सभी कुछ डूबे जा रहे हैं। सभी अपने अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ते भागते, अंत में मार्कंडे ऋषि बेहोश हो गए। विष्णु माया की प्रलयकारी स्थिति से उन भ्रांत मुनिवर, कुछ समय बाद उन्होंने वटवृक्ष के पत्ते पर एक शिशु को देखा। इस शिशु की उज्ज्वल छटा से आसपास का वातावरण अति मनोहारी हो गया। श्यामल शिशु का चेहरा अति मनोहारी, कानों में कुंडल शोभायमान और मुख में पैर का अंगूठा। इस दृश्य को देखकर मुनिवर मुग्ध व चकित। इस दृश्य को देखकर ऋषि की क्लांति शांत हो गई, हृदय प्रफुल्लित हो उठा। सोच रहे हैं, कौन है ये दिव्य शिशु? और करीब जाने पर मार्कंडे जी शिशु के निश्वास के साथ मच्छर की तरह उसके उदर में पहुंचे। शिशु के उदर में देख रहे हैं अंतरिक्ष लोक का ज्योतिर्मंडल। सभी दिशाएं, नदी गिरी, देव दानव, वन उपवन, काल महाकाल, संपूर्ण विश्व के प्राणों का स्पंदन। देख रहे हैं हिमाद्री हिमालय, उसी के तट पर उनका आश्रम, और देख रहे हैं हिमालयवासी अनगिनत ऋषि मुनि। मार्कंडे जी ने जैसे ही शिशु को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शिशु अंतर्ध्यान हो गए। शिशु के अदृश्य होने के साथ ही साथ प्रलयकारी जो दृश्य था वह भी पल भर में विलीन हो गया, तथा मार्कंडे जी ने देखा कि वे तो पहले की ही भांति अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। जिस स्थिति में थे ठीक उसी स्थिति में। समझा, यही माया है। इस माया के छल से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है मायापति श्री विष्णु की शरण। अब वहां ना ही कोई जल प्रलय थी और ना ही कोई प्रलय। ठीक ऐसे ही ज्ञानगंज के आवरण में जो मुहूर्त क्षणिक है, ज्ञानगंज के व्रत के बाहर वह काल महाकाल युग युगांतर है। समय की गति यहाँ इतनी तीव्र है कि मानो समय यहाँ अतीत में चल रहा है। ठीक उसी तरह ज्ञानगंज केंद्र में भी तीव्र गतिशीलता होने के कारण यहाँ के साधक गण कौमारे वापस पाते हैं। आज की प्रस्तुति बस यहीं तक। अगला एक भाग और मैं लाने का सोच रही हूँ, इस पर आप अपनी कमेंट अवश्य दीजिएगा। इस भाग में हम स्वामी जी व दिव्य कैवल्य के बीच हुए तत्व विषयों पर प्रश्न उत्तर, जो अति गूढ़ रहस्य हैं, तो भाग 8 लेकर जल्द ही आपसे मिलती हूँ।